अक्षय कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी है, जहां सिंह इज किंग 2 में हैप्पी सिंह के किरदार के लिए अक्षय कुमार की जगह दिलजीत दोसांझ और रणवीर सिंह को लेने की बात हो रही थी, वहीं अब खबर आई है कि उस रोल को अक्षय कुमार ही निभाने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ है पूरा माजरा। दरअसल साल 2008 में बॉलीवुड ने एक कॉमेडी रिवॉल्यूशन देखी सिंह इज किंग के साथ। अक्षय कुमार का हैप्पी सिंह के रूप में परफॉर्मेंस ऑडियंस को बेहद पसंद आया और उस किरदार ने ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। आज जब सिंह इज किंग के सीक्वल बनने की खबर फैली तो फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई, लेकिन इसी बीच अफवाह चली कि सीक्वल में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया जा सकता है और उनकी जगह रणवीर सिंह या दिलजीत दोसांझ आ सकते हैं। ये अफवाह तब फैली जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सिंह इज किंग 2 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हम रणवीर सिंह या दिलजीत दोसांझ को कास्ट करने का सोच रहे हैं। ये खबर आग की तरह फैंस में फैल गई और फैंस बेहद निराश हुए, जिसके बाद अक्षय कुमार की लीगल टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि सिंह इज किंग के 50% आईपी राइट्स अक्षय कुमार के पास है। कोई भी इसका सीक्वल तभी बना सकता है जब अक्षय कुमार के साथ वो सीक्वल बनाए या फिर अक्षय कुमार से एनओसी ले, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और वहीं अक्षय कुमार और उनकी टीम सिंह इज किंग के राइट्स छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। उनकी टीम का कहना है कि वो तभी पार्ट 2 बनाएंगे जब उनके पास एक शानदार स्क्रिप्ट होगी। तो हुई ना ये अक्षय कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी, क्योंकि उनके बिना सिंह इज किंग 2 बनना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, सिंह इज किंग 2 में हैप्पी सिंह का किरदार दिलजीत दोसांझ, रणवीर सिंह या अक्षय कुमार को निभाना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।